सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको बड़ा प्यारा सा व्यू दिखा रही हूँ हज़ारा मोटरवे का। बारिश, रात, तन्हाई, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारें, सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारें। साथ दिल के चले, दिल को न रोका हमने, वो जो अपना ना था टूट के चाहा उनको। एक तो कह मैं कटी हूँ, क्या बताएं किसे खोया किसे पाया हमने। चले, दूरियां ऐसी भी होंगी ये कभी सोचा ना था। वो सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वाह वाह तो कर ले, अच्छा जी, पोइट्री पसंद है आपको? पसंद है तो बताएं ना, फिर कोई शेर ही लिख लें, कोई पोइट्री लिख लें। इस टाइम पे मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ इस्लामाबाद की तरफ, बालाकोट से इस्लामाबाद। अब एक मज़े की चीज़ आने वाली है, टनल। पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं इसको, पीस ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी बड़ी वैसे बेहतरीन चीज़ होती है, माशाल्लाह से बड़ा दिमाग होता है इंजीनियर्स का। ये देखें, यहाँ पे फोग है थोड़ी थोड़ी, और मुझे लग रहा था कि शायद मेरी गाड़ी जो है ना एबटाबाद टनल नंबर 1 स्लो डाउन। टनल इज हेड लिमिट 60 किलोमीटर, लंबाई 1655 मीटर्स। चलें जी, क्या याद करेंगे, हम स्पीड स्लो कर लेते हैं। लाइट भी मैंने मध्यम कर दिए, डिम लाइट। What a beauty, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ओह माय गॉड। पूरे टनल में मैं हूँ और आगे ये लोग, मुझे तो डर ही लग गया। चलो, ये तो डर वाली बात नहीं है कि पूरी टनल में एक मैं हूँ, वो है बंदा जो आगे जा रहा है बस। इन्होंने कहा है 60 किलोमीटर स्पीड रखें, यहाँ टनल के अंदर ऑटोमेटिकली स्पीड जो है ना वो तेज हो जाती है, पता नहीं क्यों। चले, अब मैंने कम कर दिया स्पीड, ये देख लें 73, अभी भी 13 किलो, बहुत ज़्यादा है, कम हो गई है, गुड कर। वैसे भी बारिश में एहतियात करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्पीड करनी ही नहीं चाहिए ना। ये अब सामने जो आपको नजर आ रहा है एबटाबाद सिटी है ये वाला। ऐसे लग रहा है आपको जैसे मोतियों पर्ल्स, जैसे पर्ल्स हैं ये सारे। बारिश के कतरे भी, वो सामने लाइटिंग वगैरह भी जो हो रही है,
ये सारे ऐसे लग हैं जैसे पर्ल्स। अंधेरा हो गया, अंधेरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नहीं, इंशाल्लाह चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करें बातें, चांदनी रातें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस टाइम आज मुझे सफ़र जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे ही मुझे सफ़र तकरीबन अच्छा ही लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिन जो है ना मैं तंग हो गई, मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है। पहले मैंने मंथ का मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट मैंने ट्रैवल किया है इस्लामाबाद से लेके बालाकोट तक, फिर मैंने दोबारा ट्रैवल किया बालाकोट से इस्लामाबाद तक, फिर मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल किया लाहौर, फिर मैंने लाहौर से दोबारा ट्रैवल किया इस्लामाबाद, फिर मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल किया दोरहम, दोरहम से वापस इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से बालाकोट, और ये फिर अब बालाकोट से इस्लामाबाद। ये पूरा ट्रैवल जो है मेरा मई के मंथ का तो बनता है मेरा। तो फिर मेरा बनता है ना आप लोगों के साथ, देखें इस उसमें मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, देखें। और ये सारे ट्रैवल जो है ना मैंने अकेले किए हैं, इस बात पे तो दाद दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? करेंगे ना सब्सक्राइब, मैं वेट करूँगी जी। अच्छा, मेरा एक चैनल है स्नैन टॉक ऑफिशियल और एक मेरा चैनल है पाकिस्तान टूरिज्म क्लब। इन दोनों को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करने, दोस्तों के साथ शेयर करने अच्छी अच्छी वीडियो, और साथ साथ आपने ये करना है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना है ताकि मेरी वीडियोस वक्तन फ़ौक्तन आपको मिलती रहें। ठीक हो गया, देखिए इतने इस गर्मी में मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो दिखा रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी जगह दिखा रही हूँ, तो क्या ख्याल है, बनता है ना मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पाकिस्तान टूरिज्म क्लब को, स्नैन टॉक ऑफिशियल को। ये देखें बादल नीचे आए हुए हैं सारे। ओके जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से रिलेटेड लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।